नमस्कार दर्शकों स्वागत है आप सभी का आपके साथ मैं हूँ पूजा प्रमाणिक हर वुमेन्स डे के साथ हम साक्षी बन रहे हैं एक बदलते समाज की एक उन्नत भारत की जहाँ महिलाएं वो सब कुछ कर दिखा रही है जिसे एक समय में महिलाओं के लिए करना मुमकिन नहीं समझा जाता था और उसी की एक झलक लेकर आज हम उपस्थित हैं इस कार्यक्रम के साथ हमारे सुरक्षा बलों में हमारे सेनाओं में भारतीय नौसेना एक अलग अहमियत रखती है क्योंकि हमारे देश की तटीय सीमाओं की सुरक्षा करती है हमारी भारतीय नौसेना उन्नीस से ही भारतीय नौसेना में महिलाओं का पदार्पण शुरू हो चुका था और आज वर्तमान समय में भारतीय नौसेना के अलग अलग विंग्स में महिलाएं अपना हुनर अपनी जाबाजी दिखा रही है तो आज हमारे साथ इस कार्यक्रम में तीन विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं जो वर्तमान समय में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आई एन ए एस थ्री वन एट में तैनात है तो चलिए मिलते हैं हमारे आज के अतिथियों से तो आज हमारे साथ तीन विशेष अतिथि जुड़े हुए हैं जो वर्तमान समय में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के आई एन ए एस थ्री वन एट में तैनात है तो सबसे पहले तो आज हमारे साथ जुड़ी है लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा आप स्टाफ पायलट हैं साथ ही लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी स्वरूप आप भी स्टाफ पायलट है साथ ही हमारे साथ जुड़ी हुई है लेफ्टिनेंट वैशाली मिश्रा आप नेवल एयर ऑपरेशन की देख करती है तो सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है थैंक यू थैंक यू सो मच और साथ ही साथ हम आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहेंगे क्योंकि आप सब अपने कर्तव्य अपने देश के प्रति निष्ठा और अपने जीवन से हम सबको बहुत प्रेरित कर रही है तो आज आपके इस प्रेरणा स्रोत को हमारे दर्शकों तक पहुंचाने के लिए हम आपसे ढेर सारी बातें ज़रूर करेंगे तो जैसे कि अब आप जो है मुख्य भूमि से है और वर्तमान समय में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में तैनात है तो सबसे पहले तो हम आपके और, और आपके परिवारजनों के बारे में कुछ बातें ज़रूर जानना चाहेंगे तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या सबसे पहले तो आप हमें अपने और अपने परिवार के बारे में कुछ बताएं जी मेरा नाम लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या शर्मा है जी मैं uh, आई एन एस थ्री वन एट स्कॉड्रन उत्क्रोश में पोस्टेड हूँ आई नेशनल कैपिटल माई पेरेंट्स एंड माई यंगर ब्रदर तीनों प्राइवेट सेक्टर में जॉब करते हैं आई एम मैरिड टू लेफ्टिनेंट कमांडर प्रथम तक्षक वो मेरे साथ पोर्ट ब्लर में ही पोस्टेड हैं बट एक डिफरेंट यूनिट में पोस्टेड हैं जी लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी जी मैं तिलहर उत्तर प्रदेश से हूँ और एक नेवल फैमिली को बिलोंग करती हूँ माय फादर हैज़ सर्व्ड इन द इंडियन नेवी एंड माय मदर हैज़ बिन हिंदी टीचर और मेरा एक छोटा भाई भी है जी. और आई जॉइन द इंडियन नेवी ऑन ट्वेंटी जून ट्वेंटी सेवनटीन करंटली पोस्टेड एज अ पायलट एट आई नीस थ्री एट लेफ्टिनेट वैशाली मिश्रा जी आप अपने बारे में बताएं जय हिंद आई एम लेफ्टिनेंट वैशाली मिश्रा आई बिलोंग टू उत्तर प्रदेश and I am currently Naval Air Operations Officer at INS 318. Uh, my mother is a homemaker, my father works in the private sector, and my brother is also in the armed forces. तो कैसा लग रहा है आपको हमारे अंडमान और निकोबार का द्वीप समूह? बहुत बेहतरीन है, बहुत ज़्यादा सुंदर है और उतने ही यहाँ पे strict missions हैं। जी लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या आपसे जानना चाहेंगे कि कितना फ़र्क पड़ा है सेना में जुड़ने के बाद और कैसे कब क्यों आपके अंदर ये रुचि आई कि आप सेना में के साथ जुड़ेंगे सेना का एक हिस्सा बनेंगी मैंने भारतीय नौसेना 2018 में ज्वाइन की थी बट एक दिलचस्प कहानी ये है कि जब मैं स्कूल में थी और हमसे एलेवन ट्वेल्थ में पूछा जाता है कि आप साइंस लेंगे कॉमर्स लेंगे कि आप आर्ट्स लेंगे जी उस टाइम पर मैंने साइंस भरा था विद द रीज़न तो कह सकते है की बचपन से ही आपने इसी लक्ष्य के साथ आप बड़ी हुई आपने अपनी पढ़ाई की कि आपको एक दिन सेना के साथ जुड़ना है जी बिल्कुल हर कोई यूनिफॉर्म में देख कर लोगों को उनके जैसा बनना चाहता है मैं भी उनमें से एक थी जी लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी आपके तो फादर भी सेना के साथ जुड़े हुए थे तो आपको आपके पिता से कितना प्रेरणा मिला कैसी मोटिवेटेड हुई आप? आपने सही समझा मुझे मेरे पिता से ही प्रेरणा मिली है टू बी इन द सेम यूनिफॉर्म एज माय फादर एज यंग किड आई वुड ऑफन वेयर हिज कैप एंड रोम अराउंड इन द हाउस एंड उन्होंने बस एक बात मुझे बचपन से सिखाई है एक दिन तुम ये खुद अर्न करना ये बहुत मेहनत से बहुत कठिन परिश्रम से मिलती है और इसकी इज्जत करना सो आई होप आई हैव बिन लिविंग अप टू दैट एंड दैट इज़ दी ओनली ड्रीम टू वेयर द यूनिफॉर्म इन वाइट एंड सर्व माई कंट्री विद द बेस्ट आई कैन तो आपने अर्न किया और आज ज़ाहिर है कि आपके माता पिता काफ़ी प्राउड फील करते होंगे लेफ्टिनेंट वैशाली हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि आपका प्रेरणा स्रोत क्या रहा मेरी स्कूलिंग के टाइम्स एंड कॉलेज में भी मैं काफ़ी अपने सीनियर्स और बैचमेट्स uh, के साथ ही जो हुआ दैम सेल्व इंस्पायर टू जॉइन दी आर्म फोर्सेज सो देम आई गॉट द इंस्पिरेशन एंड मोटिवेशन टू जॉइन द फोर्सेज एंड अपियर फॉर एस जी लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या हम समझना चाहेंगे कि आपका जो है जर्नी रहा है स्कूल से लेकर सेना तक जुड़ने का ये कैसा रहा क्योंकि बहुत से दर्शक भी समझना चाहेंगे कि वो सेना के साथ कैसे जुड़ सकते हैं तो कहीं ना कहीं वो आप सबकी स्टोरी से जरूर मोटिवेट हो सकती है जी मेरा स्कूलिंग वॉज इन साइंस ऑलरेडी टोल्ड यू उसके बाद मैंने बी करी इन आई ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स इन ग्रेजुएशन एंड क्लास ट्वेल्थ आई गॉट इन टू द डायरेक्ट एस एस बी फॉर द इंडियन नेवी जी डायरेक्ट एस एस बी में सिलेक्शन होने के बाद मेडिकल्स दिए जाते हैं वो क्लियर होने के बाद एक मेरिट लिस्ट निकलती है जिसमें अगर आप मेरिटन होते हैं तो आपकी भर्ती होती है तो फॉर्चुनेटली मैंने जब पायलट के लिए एस एस बी इंटरव्यू दिया पूरा प्रोसेस गो थ्रू करा सो आई मेड इट टू द मेरिट लिस्ट जी और लेफ्टिनेट कमांडर शिवंगी आपका कैसा सफ़र रहा है अपने स्कूल से लेकर सेना तक का From the very beginning, I have been uh, motivated to be in, into studies, academics, and at the free, in the free time, I have uh, kept myself busy with all the racket sports. So this enabled me an all-round development and uh, improved my candidacy for the Indian Navy when the time came right. When I gave SSB, I had an all-round development because of being focused in education and sports, and that helped me join the Navy. और लेफ्टिनेंट वैशाली आपसे भी हम जरूर सुनना चाहेंगे सिमिलरली एज Lieutenant कमांडर दिव्यांगफ्टिन कमांडर शुभागीज़ टोल्ड एस एस बी इज द प्रोसेस आफ्टर स्कूलिंग आफ्टर कॉलेज एस के थ्रू आप जाते हैं एंड उसमें सिर्फ ये नहीं देखा जाता एक चीज़ नहीं देखी जाती है उसमें आपके कई सारे जैसे आप स्पोर्ट्स खेलते हैं कि नहीं हाउ आर यू एज एन round योर personality इज being सीन So, even in school, I had uh, made sure that I was involved not only in studies, but uh, sports mein, extracurricular activities mein, uh, I was involved in college also, I was there in a lot of extracurricular activities, so I think that helped me. Uh, ड्यूरिंग uh, it जी, तो हम कह सकते हैं कि एस एस बी वो परीक्षा होती है जिसके माध्यम से हम सेना में जुड़ सकते हैं और साथ ही साथ हमें एक होलिस्टिक डेवलपमेंट की भी जरूरत है एकेडमिकली भी और साथ ही साथ हमें फिजिकली भी फिट रहने की आवश्यकता है जी, जी। तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या आज कितना समय हो गया आपको सेना के साथ जुड़कर छः साल जी तो छः साल से आप भारतीय नौसेना के साथ जुड़ी हुई है जब आपने भारतीय नौसेना ज्वाइन किया होगा आपने एक उज्जवल भविष्य के बारे में सोचा होगा तो कैसा रहा वो अनुभव उसके बारे में भी हम समझना चाहेंगे इन छः सालों में आपने क्या एक्सपीरियंस किया एक चीज़ मैं बताना चाहूँगी कि कहीं पे भी पहुँचने के लिए जो रास्ता होता है वो कभी भी आसान नहीं होता द जर्नी इज़ डिफ़िकल्ट डिफ़िकल्टेस बट इट इज़ अ ब्यूटिफुल जर्नी जी ओवर दी सिक्स ईयर्स दी एक्सपीरियंस गेंड द कांडरटेक जितने लोगों से हम मिले हैं जितना कुछ हमने सीखा है वो सब अद्भुत था लेफ्टेंट कमांडर शिवांगी वैसे तो जब हम किसी भी प्रोफेशन में कदम रखते हैं तो उससे पहले हम काफ़ी रिसर्च करते काफ़ी स्टडी करते हैं कि क्या होने वाला है हम क्या फ़ेस करने वाले हैं चैलेंजस कैसे होंगे तो क्या आपने भी जब जॉइन किया इंडियन नेवी तो उससे पहले कुछ स्टडी की थी और उस दौरान क्या ऐसे कुछ मोटिवेटिंग फैक्टर्स थे या कुछ इंस्पायरिंग आपको लगा जिससे आपका जो है join, सेना में जॉइन करने का मन जो है संकल्प और ज़्यादा दृढ़ हो गया था रिसर्च एज इन मैंने कोई uh, खास नहीं की थी बस मुझे अपने बारे में ये पता था कि आई एम नॉट समाइव जॉब एंड बी सैटिस्फाइड विद लिविंग दैट वे सो दैट वॉज प्राइमरि टू बी ऑन माई टोर्स एट ऑल टाइम्स मुझे हर दिन कुछ नया करना है और नेवी मुझे वो करने की इजाज़त देती है और हर दिन मेरे लिए एक नया चीज़ सीखने का मौका प्रदान करती है जी हर दिन प्रैक्टिस होते होंगे ट्रेनिंग्स होते होंगे काफ़ी चीज़ें हैं तो इसके बारे में हम लेफ्टिनेंट वैशाली से जानना चाहेंगे कि वैसे तो हम सुनते हैं कि जो सेना की प्रैक्टिस और ट्रेनिंग होती है काफ़ी कठोर होती है आपको सुबह के चार बजे उठना होता है और फिर बहुत सारे ट्रेनिंग आदि रहती है तो उस एक्सपीरियंस के बारे में भी हम जानना चाहेंगे कि कैसा रहा आपका जो ट्रेनिंग पीरियड था जैसे हमने पहले बताया आप आफ्टर स्कूलिंग आफ्टर कॉलेज आप एक एस प्रोसेस के थ्रू जाते हैं उसके बाद जितने भी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स होते हैं वो इंडियन नेवल एकेडमी जो कि केरला में है वहाँ जाते हैं वहाँ जाके ट्रेन होते हैं कोर्स काफ़ी लोगों के लिए स्पेशली विद सिविलियन बैकग्राउंड बहुत डिफिकल्ट होता है हम मूवीज़ एंड सीरीज़ में देखते हैं तो हमको लगता है काफ़ी इजी है आ, या फिर हो जाएगा बट अकेडमी uh, में जाके कठिनाइयाँ होती हैं बट दैट इज़ वॉट इट ट्रेंजस फॉर वो आर्म्ड फोर्सेज रूटीन के बारे में आपको बताते हैं आप ऑर्गेनाइजेशन के बारे में सीखते हैं अकेडमी में क्या फंक्शनैलिटीज़ हैं uh, आप अपने जो आपके साथ कैडेट्स हैं उनसे एक लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग बना के निकलते हैं तो आ, वो एक ऑलराउंड डेवलपमेंट वहाँ पर भी होती है एकेडमी में डिफ़िकल्ट ज़रूर होता है जैसे हर चीज़ होती है बट बाय द एंड ऑफ बाय द टाइम यू पास आउट ऑफ द एकेडमी योर एन ऑफिसर दैट इज़ दैट इज़ मॉट दे एनश्योर जो रिजल्ट होता है वो काफ़ी रिवॉर्डिंग होता है जी, जी। तो लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या कहाँ से लाते हैं आप लोग इतना सारा एनर्जी इतनी जोश कि हर रोज़ उठना है हर रोज़ ड्रिल करने हैं ट्रेनिंग्स करने हैं इतना एनर्जी आता कहाँ से है से आता है <laughs> हमें जो ट्रेनिंग दी गई है हमने जो भी प्रिपेयर करा है आज तक जो हम दिन पे दिन जीते हैं वो हमें हमेशा नेक्स्ट डे के लिए नेक्स्ट वीक के लिए नेक्स्ट मंथ के लिए नेक्स्ट ईयर के लिए गोल देता है जी सो वर्किंग टूवर्ड्स दोज गोल्स हेल्प अस गेट अप एवरी डे इन द मॉर्निंग हेल्प अस बिकम बेटर हेल्प अस गिव बेटर रिजल्ट जी साथ ही एक और प्रश्न मैं आपसे करना चाहूँगी कि कहीं ना कहीं बहुत समय तक हमें सुनते आ रहे थे कि जो सेना होती है हमारी तो एक मेल सेंट्रिक प्रोफेशन होता है इसमें महिलाएं उस हिसाब से अपना योगदान नहीं दे पाएंगे अगर हम पुरुष के साथ कंपेयर करें तो।, तो लेकिन अब वर्तमान समय में चीज़ें बदल रही है लेकिन फिर भी क्या कभी आपने अपने इन छः सालों के दौरान किसी तरह की डिफ्रेंसेस किसी तरह की स्टीरियोटाइपिंग जैसी समस्याएँ फेस की है

मेल काउंटर पार्ट को रखा जाएगा हमारी पूरी की पूरी जो ट्रेनिंग हुई है हम लोगों ने जो भी जो आप हमें बता रहे हैं चार बजे वाला रूटीन फॉलो किया है कुछ अलग नहीं था हमारे लिए वो वो भी कर रहे हैं वो हम भी कर रहे हैं इट इज़ ऑल द सेम एडिंग टू दैट आई थिंक द प्रोफेशन दैट वी इन एक शिप एक सबमरीन या फिर एक एयरक्राफ्ट उसको नहीं पता होता है कि उसको एक मेल पायलट या फीमेल पायलट उड़ा रहा है तो वो भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी चीज़ है दैट ऑल्सो हेल्प्स इट डज़ नॉट मैटर एक्चुअली फिर अ फीमेल और अ मेल ऑफिसर बहुत बड़ी बात और बहुत सुंदर बात आपने हमें बताया कि यूनिफॉर्म को नहीं पता होता है कि जेंडर क्या है वो पुरुष है या महिला है बस ज़रूरत है तो जज्बे की तो इसी सवाल को मैं लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी से भी जानना चाहूँगी कि आपने किसी तरह के फेवरिज्म या कहे किसी तरह के भी लाइक डिफरेंसेस फेस किए थे ऑनेस्टली नॉट एट ऑल एंड बिकॉज ऑफ विच आई एम प्राउड टू बी इन अ सर्विस दैट इज बेस्ड ऑन मेरिट एंड परफॉर्मेंस एंड ऑन द बेसिस ऑफ द परफॉर्मेंस और द क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑफिसर वो हमें आगे बढ़ने की और आगे अपना बेस्ट देने का चांस देती है। जी लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी तो अब मैं लेफ्टिनेंट वैशाली जी से सवाल करना चाहूँगी हम समझते हैं कि जब हम सेना का हिस्सा बनते हैं तो कहीं ना कहीं हमारे व्यक्तित्व में भी एक बदलाव आता है और हमारे साथ साथ हमारे आसपास जो लोग हैं समाज परिवार इन सब के व्यक्तित्व में भी हमें लेकर एक परिवर्तन ज़रूर आता है तो इस बदलाव को आपने कैसे महसूस किया डेफिनेटली uh, वो होता है क्योंकि हम जिस सोसाइटी में हैं जिस एनवायरमेंट uh, uh, में रहते हैं वहाँ पे रेडिली बहुत सारे लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं uh, आपको आप जहाँ पे पहुँचे हैं बट वो धीरे धीरे चेंज हो रहा है और चेंज हुआ है तो मुझे डेफिनेटली बहुत चेंजेस दिखे हैं एंड इट इज़ ऑल फॉर बेटर जी सेम क्वेश्चन मैं लेफ्टिनेंट कमांडर दिव्या जी से भी पूछना चाहूँगी कि किस तरह का परिवर्तन आपने अपने परिवार अपने दोस्तों अपने स्कूल के जो मित्र हैं उन सब के अंदर देखा जब आप सेना में जुड़ चुकी थी आप एक सिपाही बन चुकी थी लेफ्टिनेंट कमांडर बन चुकी थी तो कैसे आप चेंजेस आपने महसूस किए हैं सबसे ज़्यादा अच्छा चेंज था जो उनकी आँखों में चमक होती है मुझे देखकर मेरे बारे में बात करते हुए और जो उनको खुशी मिलती है कि मैं उनका बच्चा हूँ या मैं उनकी बहन हूँ या मैं बीवी हूँ या मैं उनकी दोस्त हूँ जब भी मैं घर जाती हूँ मुझसे मिलने आते हैं जिस खुशी से मिलने आते हैं वो अलग ही होती है जी। लेफ्टिनेंट कमांडर शिवांगी वैसे तो अब हर फोर्सेस में जो महिलाओं की तादाद है वो बढ़ती जा रही है तो ऐसे में आपने क्या महसूस किया जो कमेंट्स आते हैं कॉम्प्लीमेंट्स आते हैं या जो भी बातें होती है आपको लेकर तो सेना में जुड़ने से पहले जैसी बातें होती थी और अब जो होती है उसमें किसी तरह के अंतर आपने महसूस किया है कहीं कहीं अंतर तो देखने को मिला है कमेंट्स भी मिलते हैं कॉम्प्लीमेंट्स भी मिलते हैं बट हमारा फोकस ये रहता है कि हम उन कमेंट्स से सीखें अपने आप को बेहतर बनाएं और उन कॉम्प्लीमेंट्स को सुने ग्रैटिट्यूड फील करें कि हमें ये अपॉर्चुनिटी मिली कि हम ये सब कर पाएँ बिकॉज जो इन्वायरमेंट uh, में हम पले बड़े हैं बिकॉज ऑफ दैट हम जहाँ आज हैं वहाँ हैं ऐसे सब बाकी सब महिलाओं या औरतों को ये अपरचुनिटी मिलती तो वो यहाँ क्या हमसे भी शायद आगे होते तो कह सकते हैं कि अब जो है आपके आसपास के लोग हैं वो ज़ाहिर सी बातें प्राउड फील करते होंगे कि उनके साथ वाले लोग आज इतने बड़े पोजीशन पर पहुंच चुके हैं तो अब मैं लेफ्टिनेंट वैशाली जी से पूछना चाहूँगी कि अब जो है हम देख रहे हैं कि नेवी में भी कई तरह की चेंजेस आ रही है अब जो महिलाओं की रिक्रूटमेंट होती है उसमें भी काफ़ी बदलाव आने लगे हैं इवन जो नो गो जोन्स थे वो भी अब महिलाओं के लिए भी ओपन हो चुके खुल चुके हैं तो इसको लेकर आप क्या महसूस करती है ये काफ़ी अच्छी चीज़ है काफ़ी अच्छा स्टेप है एंड जैसे मैंने पहले बोला कि जो हमारी मशीन है वो नहीं देखती है कि वो महिला है या पुरुष है तो डेफिनेटली इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप एंड आई एम श्योर कुछ कठिनाइयाँ नहीं आएंगी लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी आप एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोजीशन पे है आप सब है तो मैं आपसे ये जानना चाहूँगी कि आप सर्विलियंस को देखती है हम समझते हैं कि हमारी देश की सुरक्षा के लिए सर्विलियंस एक बहुत ही महत्वपूर्ण पार्ट है ज़रा सी भी चूक हुई तो काफ़ी डेंजर हो सकती है तो ऐसे में क्या क्या टेक्निकालिटीज़ है कैसे आपको वो सारी चीज़ें देखना पड़ता है अब काफ़ी बदलाव भी आ गए होंगे उसमें जी ओवर द ईयर्स देर अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट्स बट हमारा रोल एक ही रहा है जो ग्राफिकली वे करेंटली पोजिशनड इन अंडमान निकोबार आइलैंड जो बहुत एक स्ट्रेटिजिक लोकेशन में प्लेस्ड है वाई बिकॉज हम मेन लैंड से उतना करीब नहीं है जितने हम अपने नेबर्स ईस्टर्न नेबर्स से करीब हैं

कौन जा रहा है कहाँ जा रहा है वॉट ऑल दे आर डूइंग एंड इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू मेनटेन दैट पिक्चर एंड वी हैव टू प्रोवाइड दैट पिक्चर फर्दर फॉर एनी फर्दर डिसंस जी तो इसके बाद एक और सवाल आपसे करना चाहूँगी कि आप अब सीनियर हो चुकी है जब अब आपके नीचे कोई जूनियर आता है लाइक पायलट बनने की इच्छा रखता है और वो सेना ज्वाइन करता है तो कितना रोमांचक होता है आपके लिए बहुत अच्छा लगता है जब मैं अपने जूनियर्स को देखती हूँ जो सेम पाथ फॉलो कर रहे हैं जो हमने किया है Uh, उनको सिखाना हमारा काम है क्योंकि हमें हमारे सीनियर्स ने सिखाया है एंड वी एन डेट वी डू अ बेस्ट जी लेफ्टिनेंट वैशाली आज आप सबको हमारी बहुत से दर्शक बहुत सी बेटियां महिलाएं देख रही है तो आपको क्या लगता है कि आज हमारी देश की बेटियों को सेना से जुड़ने में क्या प्रोत्साहित कर रही है आई थिंक टू सर्व द नेशन उनको भी ये चाह रहती है कि वो अपने नेशन को सर्व करे, एक ऐसा काम करें जैसे लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी ने पहले बोला कि उनको बहुत कुछ सीखने को मिला बहुत सारी चीज़ें करने को मिला एवरी डे समथिंग न्यू तो आई थिंक वो एडवेंचरस जो जो एडवेंचर होता है लोगों के मन में वो उनको काफ़ी मोटिवेट करता है एंड वही चाहिए हमको आर्म फोर्सेज में तो आई थिंक दैट इज वॉट दे आर मोटिवेटेड फ्रॉम जी और लेफ्टिनेंट कमांडर शिवांगी क्या आपका ऐसा कोई ड्रीम पोस्टिंग है जहाँ आप चाहती है कि आप जाए वहाँ पे अपनी सेवाएं प्रदान करें आई थिंक मेरी ड्रीम पोस्टिंग में मैं करंटली पोस्टेड हूँ एंड आई एम वेरी वेरी हैप्पी विद व्हाट आई गेट टू सी आई एम फ्लाइंग अप देर तो अब मैं आप तीनों से एक सवाल करना चाहूँगी कि आप जो कार्य कर रही है आपका प्रोफेशन काफ़ी जोखिम भरा होता है काफ़ी चुनौतियों का सामना आपको करना पड़ता होगा तो ऐसे में जाहिर सी बात है कि कई बार आप नर्वस भी जरूर होती होगी तो ऐसे में आप खुद को प्रोत्साहित कैसे करती है आपका वो सीक्रेट मंत्रा क्या है हमारा जो सीक्रेट मंत्र है वो एक दूसरे से प्रोत्साहित होना है जी सीक्रेट मंत्र बहुत ही पावरफुल मंत्रा है आपका अगर इस मंत्रा को लेकर हम भी आगे बढ़े तो ज़रूर हम अपने जीवन में भी बहुत आगे बढ़ सकते हैं तो वैसे तो आप तीनों से बात कर कर काफ़ी अच्छा लगा आपने काफ़ी सारी मोटिवेटिंग बातें हमें बताई है आपने हमें बताया है कि किस तरह से हम भी अगर चाहते हैं तो सेना के साथ जुड़ सकते हैं अंत में कार्यक्रम खत्म करने से पहले आप सबसे एक आखिरी संदेश मैं जानना चाहूँगी कि आप हमारे बेटियों को हमारे महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे सबसे पहले तो मैं सबको एक बहुत uh, ज़्यादा तहे दिल से भरा हुआ वेरी हैप्पी इंटरनेशनल वुमेंस डे बोलना चाहूंगी एंड आई वॉन्ट टू टेल यू दैट यू हैव टू लिव योर लाइफ टू द फुल पोटेंशियल आप लोग जहाँ पे हैं जो भी काम करते हैं यू आर डूइंग इट अमेजिंगली वेल कीप मोटिवेटिंग ईच अदर एंड इफ़ यू हैव द एस्पिरेशन टू जॉइन द इंडियन आर्म फोर्सेज वी आर ऑल वेटिंग जी लेफ्टिनेंट कमांडर शुभांगी आपके तरफ से क्या संदेश होगा हमारे भावी सेना में आने वाले लोगों को

वैसे तो बहुत कुछ मैम ने हमें बता दिया है बट मेरा यही मैसेज रहेगा कि कोई काम बड़ा या छोटा नहीं होता है तो आप जो भी काम कर रहे हैं चाहे बाहर चाहे आर्म फोर्सेस में आप उसी मोटिवेशन से आ, उसी स्ट्रेंथ से काम करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए जी तो आज आपने हमें हमारे दर्शकों को इतनी सारी पावरफुल मैसेजेस दिए हैं और साथ ही साथ आपके इस बहुमूल्य समय जो आपने हमें और हमारे दर्शकों को दिया इसके लिए दूरदर्शन केंद्र पोर्ट ब्लेयर की पूरी टीम की ओर से आपका बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू थैंक यू तो दर्शकों आज हमने आपसे रूबरू कराया है सेना के कुछ जाबाज़ महिलाओं के साथ इस लक्ष्य के साथ कि देशवासी ये समझ सके कि महिलाएं हर स्तर पर आगे बढ़ती जा रही है और अपने जज्बे अपने हुनर के साथ जीत का परचम लहराने को ललायित है तो आज के इस कार्यक्रम में इतना ही तो जाने से पहले आप सभी को इंटरनेशनल वीमेंस डे के अवसर पर ढेरों शुभकामनाएँ देना चाहेंगे अब आप हमें दीजिए इजाज़त नमस्कार